हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर 10 कबड्डी 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 फ्रॉम क्लास 4th ईवीएस सेमेस्टर 1। कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर। तो कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। वो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल। तो उनके जो फादर है वो एक पुलिस कांस्टेबल है। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो जब मलेश्वरी 12 साल की थी तब से ही उन्होंने वेट लिफ्टिंग को शुरू किया। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। आज की डेट में वो 130 किलोग्राम के करीब वेट को लिफ्ट कर सकती हैं। कर्णम हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स। तो कर्णम को इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स उन्होंने जीते। हर फोर सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। उनकी जो चार बहनें थी उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग को उसकी भी प्रैक्टिस उन्होंने शुरू करी। सरिता गायकवाड़। सरिता गायकवाड़ वॉज बॉर्न इन कराड़ी अम्बा विलेज इन डांग डिस्ट्रिक्ट ऑन 1 जून 1994। तो सरिता गायकवाड़ जो है उनका जन्म कराड़ी अम्बा गाँव में डांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 1 जून 1994 को। सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ इज़ अ गुजराती स्प्रिंटर। तो सरिता लक्ष्मण भाई गायकवाड़ जो हैं वो एक गुजराती स्प्रिंटर हैं। स्प्रिंटर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही जो रेस करते हैं, जो दौड़ लगाते हैं। हर पेरेंट्स आर बिजी विथ फार्मिंग। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। शी स्पेशलाइज इन द 400 मीटर्स रनिंग रेस एंड 400 मीटर्स हर्डल। तो उनकी खासियत ये है कि वो 400 मीटर रनिंग रेस और 400 मीटर हर्डल्स जो है वो करते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से। लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। शी वॉन गोल्ड मेडल इन विमेंस 4x4 मीटर्स रिले रेस एट द 2018 एशियन गेम्स। तो उन्होंने 2018 एशियन गेम्स में जो 400 मीटर्स की रिले रेस होती है उसमें उन्होंने जो गोल्ड मेडल है उसको जीता था। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज़ सेलेक्टेड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ अभियान। तो आप सब लोग जानते हो कि हमारे गुजरात में बेटी बचाओ अभियान जो चल रहा है, तो हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने उनको सरिता गायकवाड़ को बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, स्टोरी ऑफ थ्री सिस्टर्स। तो यहाँ पे हम तीन बहनों की कहानी देखेंगे। लुक एट दिस फोटोग्राफ। यू कैन सी वेरी वेल इन दिस फोटोग्राफ। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स। क्या एकदम सिंपल ये दादियों जैसी नहीं लगती। बट दे आर डिफरेंट, लेकिन फिर भी ये अलग हैं। द पिक्चर्स इज ऑफ द थ्री सिस्टर्स। ये तीन बहनों की पिक्चर्स हैं, ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई। तो ये कहाँ रहते हैं, मुंबई में। ऑल थ्री ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स। तो इन तीनों बहनों ने कबड्डी जो गेम है उसको सीखा है, वो खेलती हैं और ये दूसरों को भी इस गेम को सिखाती हैं। ज्वाला टेल्स व्हेन वी आर यंग। ज्वाला ये बता रही है कि जब हम लोग यंग थे, गर्ल्स वेर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। तो उस समय लड़कियों को ये गेम खेलने की परमिशन नहीं होती थी। पीपल थॉट दैट इफ़ गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स नो बडी वुड मैरी देम। तो उस समय ऐसा माना जाता था कि अगर जो लड़कियां हैं इस तरह की गेम खेलेंगी तो बड़े होने के बाद उनसे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि कबड्डी गेम को बहुत ही रफ गेम माना जाता है। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज़ क्लोथ्स टू प्ले कबड्डी। तो ये भी बात सही है कि जो कबड्डी का गेम है उसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनको इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये ज्वाला लोग बता रहे हैं कि उस समय पे जो कबड्डी के गेम के लिए हम लोगों को लड़के जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े हमें पहनने पड़ते थे। तो उस समय पे ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं थी। तो दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग। तो यही एक रीज़न था कि जिसके लिए गर्ल्स को इस तरह के गेम खेलने पर पाबंदी थी। व्हेन दे वर यंग देयर फादर डाइड। जब वो यंग थी यानी कि जब वो छोटी थी, उनके जो फादर थे उनकी मौत हो गई। देयर मदर एंड टू मामाज दैट इज़ मैटरनल अंकल्स ब्रॉट देम अप। तो उनकी मम्मी और उनके दो मामाओं ने उनको बड़ा किया। बोथ अंकल यूज़ टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। तो उनके जो दोनों मामा थे वो कबड्डी और खो खो खेला करते थे। दे एनकरेज द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। और वो अपनी इन तीनों भांजियों को उत्साह मतलब प्रेरित करते थे कि वो कबड्डी खेलें। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट
देयर एक्सपीरियंस। तो ज्वाला और लीला यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, उसे बता रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अगो व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम। यानी ये 50 साल पहले की बात है कि जब इन लोगों ने कबड्डी खेलना शुरू किया था, तो उस समय पे लड़कियों को इस तरह की गेम को खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। तो लड़कियों को जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल इस तरह की गेम खेलने ही नहीं देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हमें ऐसी गेम खेलनी चाहिए, तो हमारे मामा ने और हमारी मम्मी ने हमको ये गेम खेलने में एकदम सपोर्ट किया। वी थ्री लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस। तो हम तीनों बहनों ने इस गेम को सीखा, हमारे साथ कुछ और लड़कियों ने भी हमको इस गेम में ज्वाइन किया। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब। तो हम लोगों ने मिलकर एक कबड्डी क्लब बनाया, विच इज़ एक्टिव इवन टुडे, जो कि आज की डेट में भी एक्टिव है, यानी चल रही है। रिमेम्बरिंग दोज डेज, तो वो पुराने दिन लीला लोग याद कर रहे हैं और ये आपको बता रहे हैं। लीला एंड हीरा स्टिल रिमेंबर्स दोज डेज। तो लीला और हीरा अभी भी पुराने दिनों को याद करते हुए बता रहे हैं। दे टेल हाउ दे वन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज। तो इसमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो गेम्स वो हारने वाले थे और उस गेम को उन लोगों ने जीत लिया। वंस दे वेंट टू अ बिग सिटी टू प्ले अ मैच, लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट 6:30 इन द इवनिंग। तो एक बार जब वो एक बड़ी सी सिटी में गए मैच को खेलने, तो लीला ने बताया कि जो मैच है वो 6:30 इन द इवनिंग इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट। सो वी वेंट टू सी अ मूवी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग एक मूवी देखने के लिए चले गए, क्योंकि जो मैच था वो 6:30 को शुरू हो रहा था। एज सुन एज मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंस। जैसे ही मूवी शुरू हुई, हमने सुना कि बहुत सारी आवाज़ हो रही है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। इट वॉज़ क्रिएटेड बाई अवर मामा। तो ये डिस्टर्बेंस किसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा था, हमारे मामा के थ्रू। हु वॉज़ लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च, जो एक टॉर्च से हमें मूवी के हॉल में ढूंढने के लिए आए थे। वेन ही फाउंड अस ही गेव अस अ बिग स्कोल्डिंग। और जैसे ही उन्होंने हमको वहाँ पर पाया, तो उन्होंने हमें बहुत बहुत ज़्यादा डांट मारी। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।